हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हो चुका है शाम का टाइम और शाम की 5:15 बजे की है हमारी ट्रेन। तो हम लोग चल दिए हैं गांव। तो बस अभी हम लोग पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन कल्याण जंक्शन। बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं और बस हमारी ट्रेन आने ही वाली है। और ये देखिए, हम लोग आ गए हैं ट्रेन के अंदर। आर्यन आराम से लेटा है और बहुत खुश हो रहा है अंदर आके। स्माइली, वो देखिए सामने वाली सीट पर बैठी है, तो स्माइली कर रही है आप सबको हाय। और हमारी ट्रेन अभी खड़ी हुई है, सामने वाली ट्रेन चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है। तो हमारी अभी कल्याण जंक्शन प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन जो है खड़ी हुई है, तो बस चलने ही वाली है। और सामने ये देखिए पापा जी बैठे हैं और ये अब ट्रेन चल रही है। स्माइली उसके बाद लेट गई थी, थोड़ा कार्टून वगैरह देख रही है। और यहाँ पे तो अभी ठंड नहीं है, गर्मी है। अंदर आए ट्रेन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इधर ठंड नहीं है। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं झांसी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड है। तो बस हमारे सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और मेरा जो व्लॉग है ना, वो पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा यही इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी थी, गांव जाने की तैयारी, पैकिंग वैकिंग सब। तो बस मैं फिर व्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ। और आर्यन अपने दद्दू के पास बड़े आराम से लेटा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन में। 6 महीने बाद जो है ना, फिर हमारा ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि जब आर्यन 1.25 महीने का था तब हम वहाँ से लौट के। या फ्लश लगा हुआ है, आप लोग उसका इस्तेमाल करें, जिससे हमारे टॉयलेट साफ सुथरे और क्लीन रहे। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कचरा अपने कोच में, अपने कंपाउंड के अंदर नहीं डालना है, चाहे वो आपके चाय के कप हो या पानी की खाली बोतल हो। तो गाइज, ये अच्छा लगा काफी। ट्रेन में अनाउंसमेंट पहले ही कर रहे हैं सबको, सफाई के लिए, हर चीज के लिए पहले से ही बोला जा रहा है कि तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं ट्रेन में और बाबू यहाँ पे सो गया है। स्माइली सो रही है ऊपर, वो सो रही है स्माइली ऊपर वाली सीट पर जाके। शाम का टाइम हो गया, शाम के बज चुके हैं, 6:10 हो गए हैं। मैं भी अभी लेटी हुई थी फिलहाल, बस लाइट इसीलिए ऑफ नहीं करी, ऑन नहीं करी, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो गाइस, अब हो चुकी है रात और हमारा खाना पीना ट्रेन में हो चुका है सबका। और स्माइली नीचे बैठ के खा रही है, क्योंकि इसने हमारे साथ नहीं खाया था, ये सो रही थी। हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, पहले पापा जी ने खाया, तो पापा जी भी सो चुके हैं। और आर्यन ऊपर यहाँ पर अपनी बॉटल से लगा है दूध पीने के लिए, और ये देखो देख रहा है और बहुत मस्ती कर रहा था ये ट्रेन में। इसको बड़े मुश्किल से पकड़ के और मैंने कहा ये पी ले और फिर उसके बाद सो जाएगा ये। और यहाँ पे नीचे स्माइली कर रही है अपना खाना, क्योंकि इसने खाया नहीं था, तो ये पूड़ी और सब्जी खा रही है। आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बना के लाई थी मैं खाने में, तो बस खा लेंगे। कल तो हमें पहुँच ही जाना है, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर आर्यन भी पी रहा है और इसको मैं फिर सुला दूँगी, फिर हम लोग सो जाएँगे जल्दी। और क्योंकि ये रात को भी कई बार जगता है, देखेंगे आज जगता है यानी, क्योंकि ट्रेन में तो वही लास्ट टाइम जब हम आए थे पूरी रात ये ज़्यादा परेशान नहीं किया था, आराम से सोया था, तो देखते हैं। तो ये फ़ोन देख के ना ऐसे मस्ती कर रहा था, सोचो ये इतना शोर मचा रहा था ट्रेन में, फिर उसके बाद सोया ये। अब हो गई है सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम गांव जा रहे थे, अभी बुआ के घर जा रहे हैं, उसके बाद कल हम जाएंगे बड़ी मम्मी के घर। ये मेरा क्यूट सा भाई है, देखो आप तो मेरे हमेशा वीडियो में आप देखते हो गए मेरा भाई। आज वो मक्की कैप लगाया, मक्की कैप तो मैंने मंकू दिख रहा है, देखो
तो गाइज़ हम लोग ना पूरी तरह से रेडी है क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला है और थोड़ा जल्दी ही ट्रेन जो है पहुंच गई थी, बट 1.5 घंटे ट्रेन जो है ना झांसी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही, मतलब प्लेटफॉर्म से थोड़ा पास में क्रॉसिंग पर खड़ी रही बहुत टाइम तक, मतलब 1.5 घंटे आप सोच सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगा, हमें लगा बस पहुँच जाएंगे जल्दी, बट ट्रेन तो जल्दी पहुंच गई थी झांसी, लेकिन वहाँ खड़ी रही वो, मतलब क्रॉसिंग के लिए 1.5 घंटे खड़ी रही। जब तक यहाँ पर आर्यन देखो कितनी मस्ती कर रहा है, उसको ना मैदान चाहिए होता है खेलने के लिए, खूब स्पेस चाहिए पलटने के लिए खिसकने के लिए, तो बस यहाँ पे वो खेल रहा है, उसके बाद बेचारा बैठ गया। अब आ गया हमारा स्टेशन तो हम लोग उतर जाते हैं, लेकिन मैं व्लॉग जो है ना वो शूट नहीं कर पाऊँगी उतरते टाइम का, क्योंकि मैं फ़ोन अपना रख दूँगी, आर्यन को गोद में लेना पड़ेगा। तो बस चलिए स्टेशन से उतरने के बाद आपको मिलते हैं हम लोग स्टेशन से बाहर। सो हम आ चुके हैं स्टेशन से बाहर और बैठ गए हैं टैक्सी में, अब चलते हैं दीदी के घर की तरफ। अभी हम जा रहे हैं, आज अपनी ननद के घर जा रही हूँ मैं, और उसके बाद कल जाऊँगी शादी वाले घर दीदी के यहाँ पे, जो मेरी जेठानी है उनके घर। और यहाँ पर ये देखिए झांसी की सड़कें देखिए आप लोग, तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने ही वाले हैं दीदी के घर। ये है स्माइली, हमारा सामान रखा है पीछे, और बाबू यहाँ पे मेरी गोद में है, ज़रा सी आंखें दिख रही है बस उसकी, ये देखो। फिलहाल तो मौसम ठीक है, इतनी ज़्यादा अभी ठंड फिलहाल तो नहीं लग रही, बट कुछ कह नहीं सकते, अभी तो धूप निकली है क्योंकि, तो बस 12 बजे के आसपास का टाइम था। फाइनली हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करके आ गए दीदी के घर, और ये देखो कितने आराम से लेट गया, आके मैदान मिल गया, यहाँ पे आराम से लेटा बुआ के घर आके, ना बुआ के घर आके आराम से लेट गया। क्या बेटा गर्मी नहीं है, ठंड है, आके जैकेट वैकेट निकालने लगी।